हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो Y20T के अंदर अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट लेना हो तो कैसे ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन के अंदर 5 स्टेप से स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अभी हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो चैनल कर लिए सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले गाइस वीडियो अंत तक जरूर देखना, ताकि आपको समझ में आ सके। तो आपको अपने फ़ोन के अंदर सबसे पहला स्टेप देखने के लिए मिल जाता है, जो आपकी होम स्क्रीन डिस्प्ले है। 3 फिंगर से जब आप स्वाइप डाउन करते हैं तो आपके फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। वहीं से हम बात कर लेते हैं अपने फ़ोन के अंदर, जैसे आपको दूसरा स्टेप मिल जाता है, पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन है। जब आप दोनों को एक साथ प्रेस करते हैं तब तो आपके फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट आ जाता है। ये तो हमारे फ़ोन के अंदर दो स्टेप। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे स्टेप की। उसके लिए आपको जाना होता है सेटिंग में। अब सेटिंग में आने के बाद आपको ऊपर से नोटिफिकेशन पैनल ओपन कर लेना है। यहाँ से आपको एक ऑप्शन दो मिल जाता है एस कैप्चर, इस पर क्लिक कर लेते हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन दो मिल जाते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, रेक्टेंगुलर कलर स्क्रीनशॉट, फनी स्क्रीनशॉट, लॉन्ग स्क्रीनशॉट। यहाँ से हम तीनों लेने वाले हैं। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है रेक्टेंगुलर कलर स्क्रीनशॉट, रेक्टेंगल वाला ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे आपको जितना बड़ा स्क्रीनशॉट चाहिए आप केवल उतना बड़ा सेट करके उसे स्क्रीनशॉट सेव करा सकते हैं। ठीक है, एक तो ये स्क्रीनशॉट हो गया। अब फिर से यही नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करेंगे आप। दूसरा स्टेप यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है फ़नी स्क्रीनशॉट। फ़नी स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको ऑप्शन दो मिल जाता है सेव स्क्रीनशॉट, सेव्ड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको ऑप्शन दो मिल जाता है स्क्वायर वाला मिल जाता है, सॉरी स्क्वायर वाला मिल जाता है, दिल मिल जाता है आपको, हार्ट सर्कल मिल जाता है। ये तो आपको बताइए, यहाँ से ये ऑप्शन दो मिल जाते हैं। इस स्टेप से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे हमने इसे सेलेक्ट कर दिया, अब यहाँ से आप देख सकते हैं, इसे अगर आपको बड़ा करना हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जितना आपको बड़ा करना हो उस हिसाब से आप सेट करेंगे और इसे सेव कर देंगे, स्क्रीनशॉट आपका सेव हो जाता है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन का ना स्क्रीनशॉट आ चुका है। आपका बैकग्राउंड में कुछ भी सही नहीं हो, इसे यहाँ से सेव करा देंगे। भाई हम फिर से चेक कर लेते हैं, इसमें एस कैप्चर पर क्लिक करेंगे, फनी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे इस टाइप का लेना हो आपको स्क्रीनशॉट, इससे लेना हो, ऐसा लेना हो आपको, तो सारे ऑप्शन आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं और आप यहां से सेव करा सकते हैं जैसा आपको चाहिए हो। अगर आपको एक लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहिए तो वो भी आप यहीं से ले सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, लॉन्ग स्क्रीनशॉट पर क्लिक करेंगे और यहां से आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको चलना होता है सेटिंग में। अब सेटिंग में जाके आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से देख सकते हैं आपको लोड हो रहा है। लोड होने के बाद आप यहाँ से जितना बड़ा स्क्रीनशॉट चाहिए आपको उतना बड़ा आप यहाँ से ले सकते हैं, इसे सेव कर देंगे। इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर एक लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फनी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आप सब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।